हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव और आज हम एक ऐसे विज्ञान के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो इंसानियत की क्रूरता और दानवता को दर्शाता है। कई दिनों से इंटरनेट पर द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के नाम से कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। शायद आपने भी इनमें से कई सारे वीडियोस देखे होंगे या फिर इंटरनेट पर इस बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन क्या ये सच में विज्ञान की क्रूर सच्चाई है? वेल, इस वीडियो में आप बिल्कुल यही जानेंगे और मैं द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको बताऊंगा जो आपके होश ही उड़ा देंगे। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे मत देखना, वरना बने रहिए अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे खुलासे करूंगा जो आपकी सच्चाई को लेके ही आंखें खोल देंगे। तो फ्रेंड्स, 1940 में सोवियत यूनियन ने दुश्मन सेना में से 5 अलग अलग उम्र के कैदियों को इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना और इन 5 कैदियों को एक कमरे में 30 दिनों के लिए बंद कर दिया गया, इस शर्त पर कि अगर वो 30 दिनों तक बिना सोए इस एक्सपेरिमेंट को सफलता से पूरा करते हैं तो उन्हें सही सलामत छोड़ दिया जाएगा। ये कह के उन्हें इस तरह के कमरे में रखा गया जहां खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, एक टॉयलेट और पढ़ने के लिए कुछ किताबों की सुविधा दी गई, लेकिन उन्हें सोने के लिए या बैठने के लिए कोई भी तरीके की सुविधा नहीं दी गई और इस एक्सपेरिमेंट पर नजर रखने के लिए 2 वन वे मिरर्स लगाए गए थे, क्योंकि उस वक्त सीसीटीवी कैमरास नहीं होते थे। उन 5 कैदियों को नींद ना आए इसीलिए उस कमरे में धीरे धीरे एक एक्सपेरिमेंटल जहरीली गैस ऑक्सीजन के साथ उचित मात्रा में छोड़ी गई। ये गैस एक केमिकल स्टिमुलेंट की थी जैसे कोकेन या एम्फेडामिन, जो उन्हें जगाए रख सके। पहले 4 दिनों तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 5वें दिन से उन कैदियों की बेचैनी अचानक से बढ़ने लग गई और 9वें दिन उनमें से एक कैदी मानसिक संतुलन खोने के कारण 3 घंटों तक लगातार चीखता रहा, जिस वजह से उसके गले के वोकल कॉर्ड्स फट गए। इस गैस का असर अब सारे कैदियों पर भी समान रूप से दिखने लगा था, जिस वजह से वो सारे कैदी अजीब तरीके से बड़बड़ाने लगते। रिसर्चर्स उनके कमरे में हर रोज ऑक्सीजन के साथ उस जहरीली गैस की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाने लगे। अगले दिन एक कैदी ने दिए गए बुक्स के पन्नों को फाड़ कर आईनों के ऊपर चिपका दिया ताकि रिसर्चर्स को अंदर का ना दिख सके, और उसके बाद रूम में सन्नाटा फैल गया। हालांकि रिसर्चर्स को रूम में हो रहे ऑक्सीजन के उपयोग से पता चल रहा था कि वो सारे कैदी जिंदा है, जब अंदर से कोई आवाज नहीं आने लगी तब रिसर्चर्स ये डाउट करने लगे कि शायद सारे कैदी मरने के कगार पे आ चुके होंगे। उसी वक्त उन्होंने उस कमरे में से जहरीली गैस को निकाल कर कमरा खोलने का फैसला किया। जैसे ही रिसर्चर्स ने उन कैदियों को अंदर आने की सूचना दी, अंदर से रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज निकली, जिसमें एक कैदी ने कहा, हमें आजादी नहीं चाहिए, हमें यहीं रहना है। ये एक चौंकाने वाली बात थी। उन्हें उस चेंबर में मजा आने लगा था। वो चाहते थे कि वो हमेशा इसी तरह जागते रहे। उसी कमरे में वो सारे कैदी रिसर्चर से भीख मांगने लगे कि उस गैस को फिर से उनके कमरे में छोड़ा जाए और उन्हें वहीं अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। सारे रिसर्चर्स सोच में पड़ गए कि आखिर इन कैदियों के साथ हो क्या रहा था, लेकिन फिर भी उनकी बातों को अनसुना करते हुए जैसे ही रिसर्चर्स उस कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने पाया कि सारा खाना जैसे का तैसा पड़ा हुआ था। जमीन खून से रंगी हुई थी और उसी जमीन पर कैदियों के कटे हुए अंग पड़े हुए थे ताकि वो उन्हें बाद में खा सके। कुछ कैदी खुद के ही मांस को नोच नोच कर खा रहे थे। ये दिल दहलाने वाला नजारा था। एक कैदी तो खुद के ही पेट का इतना मांस खा चुका था कि उसकी हड्डियां तक नजर आने लगी थी। जब उन कैदियों को इलाज के लिए ले जाया गया तो वो उसी कमरे में वापस जाने की भीख मांगने लगे, और जिस मॉर्फिन के एक इंजेक्शन से कोई भी इंसान बेहोश हो सकता है, उस मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाने के बावजूद वो सारे कैदी होश में थे और डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट किए जा रहे थे कि उनका ऑपरेशन उनके होश में ही रहते हुए किया जाए, क्योंकि उन्हें ऑपरेशन में दर्द में भी मजा आने लगा था। जैसे जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन करते वो कैदी मुस्कुराने लगते, लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान 5 कैदियों में से 3 कैदियों की मौत हो गई। मगर फ्रेंड्स, इस रिसर्च को यहाँ नहीं रोका गया, बल्कि सोवियत यूनियन के कमांडिंग ऑफिसर ने इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखने का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि इन बचे हुए कैदियों को फिर से अगर उस गैस के साथ रखा जाए तो क्या होगा। ये एक्सपेरिमेंट अब हैवानियत का रूप लेने लगी थी और इसीलिए रिसर्चर्स इस
एक्सपेरिमेंट को यहीं रोकना चाहते थे, पर कमांडिंग ऑफिसर के इस ऑर्डर के वजह से उन्हें ये एक्सपेरिमेंट ना तो सिर्फ जारी रखना पड़ा बल्कि उन्हीं दो कैदियों के साथ तीन रिसर्चर्स को भी उसी कमरे में दाखिल कर दिया गया। जब उन बचे हुए दो कैदियों को वापस रूम में ले जाने के लिए बेड से बांधा जा रहा था तो वो काफी छटपटा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें ये पता चला कि उस गैस के साथ वापस उन्हें उस कमरे में रखा जाने वाला है, तब वो दोनों कैदियों की छटपटाहट अचानक से बंद हो गई और दोनों मुस्कुराने लगे। ये देखकर उन तीन रिसर्चर्स में से एक रिसर्चर घबरा गया और इन अजीबोगरीब कैदियों के साथ इसी डर में उसने कमांडिंग ऑफिसर को ही गोली मार दी। और उसके बाद घबराते हुए उस रिसर्चर ने एक कैदी से पूछा कि तुम आखिर कौन हो, और जो जवाब उस कैदी ने दिया वो काफी भयानक और हैवानियत से भरा हुआ था। उसने हंसते हुए ये कहा कि मैं तुम्हारे ही अंदर की एक परछाई हूँ जिसे तुम कभी बाहर नहीं आने देते। मैं वो हूँ जिससे तुम्हें रात को डर लगता है। मैं तुम्हारे अंदर की वो बुराई हूँ जिसे तुम हमेशा दबाए रखते हो। ये सुनते ही उस रिसर्चर ने उन दोनों कैदियों के साथ उन बचे हुए दो रिसर्चर्स को भी गोली मार दी और अंत में खुद को भी गोली मारकर उस एक्सपेरिमेंट के रहस्य को वहीं दफना दिया। और कहा जाता है कि उस खौफनाक वाकये के बाद इस तरह का एक्सपेरिमेंट किसी भी इंसान के साथ नहीं किया गया। लेकिन 2009 में क्रीपी पास्ता विकी नाम के एक वेबसाइट पर किसी अनजान अकाउंट के जरिए इस एक्सपेरिमेंट को दुनिया के सामने लाया गया और दावा किया गया कि ये एक ऐसा रहस्य है जो दुनिया से जानबूझकर छुपाया गया था। ये तो थी एक्सपेरिमेंट की बात। अब हम देखेंगे कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई थी। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जब रशियन गवर्नमेंट से पूछा गया था तो उन्होंने साफ तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को झुठला दिया। अगर साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो इस कहानी में ऐसा कहा गया था कि उन कैदियों के ऑपरेशंस के वक्त उनके दिलों में हवा जाने के बावजूद वो बहुत देर तक जिंदा थे, मगर ऐसा हो पाना नामुमकिन है। अगर इंसान के दिल में जरा सी भी हवा चली जाए तो उसी वक्त हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाएगी। तो ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि दिल में हवा होने के बावजूद वो दो कैदी आखिर कैसे इतने दिनों तक जिंदा रह पाए। यहीं पर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। इसके अलावा आज तक कोई भी ऐसा स्टिमुलेंट ड्रग किसी भी रिसर्च में पर्सनालिटी को इस तरह से ऑल्टर करता हुआ नहीं देखा गया है कि इंसान को दर्द में भी मजा आने लगे। इंटरनेट पर आजकल कोई भी कुछ भी वायरल कर देता है और हम उसे जांचे परखे बिना सच मान बैठते हैं। ये एक्सपेरिमेंट भी ऐसे ही किसी राइटर के दिमाग की एक खोज थी जो आज तक सच बनकर दुनिया को अपने झांसे में फंसा रही है। इस एक्सपेरिमेंट का कोई भी पुख्ता सबूत अब तक हमारे सामने नहीं आ पाया है और ना ही इतिहास में किसी ने इस एक्सपेरिमेंट की जिम्मेदारी ली है। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इंटरनेट चलाने के लिए आपको सिर्फ जियो के नेटवर्क की ही नहीं बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग की भी जरूरत है। तो फ्रेंड्स, ये थी द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की असल सच्चाई, या फिर कहानी जैसे आप कहना चाहोगे, जिसे बहुत लोग सच मान बैठे थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। आपको क्या लगता है, क्या इस कहानी में थोड़ी सी भी सच्चाई हो सकती है, हाँ कि ना? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना हमें, हम जानना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।